एंड शायद आप में लिपस्टिक लग गया इसको। हम लोग जा रहे हैं तालाब में और पानी लेने के लिए, क्योंकि नहाने के लिए पानी चाहिए। सिंपल सा मेकअप है, बिकॉज डे मेकअप है, इसलिए मैंने बहुत ही हल्का लाइट वेट सा मेकअप किया है। होने वाला है मेरे को तो ऐसा धक धक बाल के कहीं खुल ना जाए। अरे बाप रे, ये तो इसीलिए जस्ट रसम होता है। और फोटोशूट कौन करवाना है? तो यही इतने सारा सूला का जोड़ा पहनना पड़ता है, और इसीलिए मैंने। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। So guys, कैसी लग रही हो मैं कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, बिकॉज पोइते है जो कि जनेऊ है रीबू का, जैसे कि मैंने अगले व्लॉग में आप लोगों को बताया ही है, दिखाया भी है। सो अभी है उसका पोइते वाला रसम सारा, एंड डे मेकअप है, इसलिए मैंने बहुत ही हल्का लाइट वेट सा मेकअप किया है। सो चलो चलते हैं, वहां के सारे बंगालीज रसम दिखाते हूँ मैं आपको जो कि जनेऊ में होते हैं। सो मैं जल्दी से निकलती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा लेट हो गया है, एंड शायद दांत में लिपस्टिक लग गया, इसको क्लीन करती हूँ फिर मैं निकलती हूँ। सो ध्यान से देखो इस चेहरे को, ये टकला होने वाला है। ये जो खूबसूरत खूबसूरत से रेशमी बाल है, ये कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए ही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एंड इसी का पोते है, ये है रीबू, रीजू का छोटा भाई। बोलो हेलो। हाय हेलो। दांत कम दिखाओ, पीला पीला दांत। गजब बेइज्जती है, थोड़ा धोती संभाल के कहीं खुल ना जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ भी, इज्जत का फालूदा हो जाएगा। কাল বেলা চারটে সময় এত সেজেছে, আর এখন দেখো, ওহো, যখন সাদর তখন সে আসতে পারিনি। यहाँ पे इसकी माँ इसको बोरन कर रही है, जो कि है आरती, हिंदी में आरती कहते हैं इसको, और इसी तरीके से बोरन करते हैं ये लोग। बट आरती हमारे आरती की थाली से होता है, बट इन लोगों के ये पांच अलग अलग चीज़ों से होता है, जैसे कि मैंने अगले व्लॉग में आप लोगों को बताया ही था। जनेऊ होता है ना, जनेऊ बिल्कुल शादी वाला सारा रस्म होता है, हल्दी लगने, यहाँ पे आपको हल्दी भी लगेगा, एंड बस एक दुल्हन की कमी है, दुल्हन रहती तो वो काम भी हो जाता। एंड आई नो कैमरा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, बिकॉज मैंने एक बच्चा ये पकड़ा हुआ था, और हस्बैंड तो ऑफिस गए थे, इसलिए आपको हस्बैंड भी कहीं नहीं दिखेंगे, बिकॉज उनको छुट्टी नहीं था। और ये जो पूजा है, जनेऊ है, ये मंडे को हो रहा था, अगर हस्बैंड रहते तो वही कैमरा पकड़ लेते, और इसीलिए थोड़ा सा शेक कर रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज मुझसे नहीं हैंडल हो रहा था दोनों तरफ का काम। सो इसीलिए देख ही सकते हो, सब कुछ में मुझे लगेगा ही, सो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यहाँ पे इसको हल्दी लगाया जा रहा है भर भर के। बाप रे, फिर ये।
जो सुबह 4 बजे गंगा जल लाया गया था उसी से यहाँ पे नहलाया जा रहा है। नहलाया जाने के लिए उतना पानी तो ला नहीं सकते ना गंगा जल, सो इसीलिए जस्ट रसम होता है सर धो के एंड देन अपने आप वॉशरूम में जाके नहा लेगा। जो साथ में बैठ के सारा रस्म कर रहे वो इसके चाचा हैं एंड पास में उसकी मम्मी बैठी है एंड ये है रीबू का छोटा भाई रीबू जिसका पोते है पहले भी मैंने बताया है एंड जो शंख बजा रही है वो इसकी दादी है। घंटे वाले बालों में फोटोशूट हो रहा है इसका, जनेऊ किसका है और फोटोशूट कौन करवा रहा है देख। कोई लड़की वर्की हो तो मैसेज कमेंट जरूर करना इसके लिए। फिर से हम लोग जा रहे हैं तालाब में और पानी लेने के लिए क्योंकि नहाने के लिए पानी चाहिए। तो ये एक रस्म होता है तो फिर से हम जा रहे हैं। जैसे हम सुबह 4 बजे गए थे वैसे ही गंगा जी में जाया जा सकता था बट बहुत सारे रस्म थे एंड बहुत टाइम हो गया था तो फिर से हम उतना दूर गंगा जल लाने जाते तो लेट हो जाता है इसीलिए पास के तालाब में से पानी लाया जा रहा है। एंड मैं वॉइस ओवर बाद में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था तो कॉपीराइट पड़ जाता है इसीलिए वॉइस ओवर में आप लोग एडजस्ट कर लो। वाओ এটা কি হেয়ার স্টাইল হইছে ভালো এরকমই ছেড়ে দাও হাফ করে হ্যাঁ হ্যাঁ এই রকমই রেখে দাও মানে সাইড করে রাখুন চুল দেবো আর পুরো মাথাতে গাজা এবার দেখি খুব মজা লাগে না। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय पागल। Oh, I'm just going to have to watch it again.
ज्योति भिक्षा देहि वन सब कुछ करने के बाद ये भीख मांगने का रस्म है तो सबसे पहले माँ देती है, उसके बाद घर में कुछ लोग देते हैं एंड पांच घर बाहर जाके लेना पड़ता है। तो मेरे घर पे जाके लिया था एंड मैंने वहाँ पे क्लिप नहीं लिया है बिकॉज कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था एंड सब जल्दी जल्दी हो रहा था बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसीलिए। सो यहाँ पे भीख दिया जा रहा है। अगले व्लॉग में आप लोगों ने दिखाया था मैं पैक कर रही थी इसी तरीके का शगुन, तो यही इतने सारा शगुन और भी था जो पैक हो चुका था ऑलरेडी। सो ये सारी उसके ज़रूरत की चीज़ें जो उसको दिया जाता है एंड उसके बाद ये लास्ट रस्म जो पूरे दूल्हे के गेटअप में आना पड़ता है, इसको पूरा दूल्हा का जोड़ा पहनना पड़ता है और इसीलिए मैंने थंबनेल में और टाइटल में दिया है कि जस्ट दुल्हन की कमी है, देखो दूल्हा तो रेडी है बस दुल्हन नहीं है। सो ये है इसका लास्ट रसम, इसके करने के बाद ये खाना खाएगा एंड देन ये सारा पूजा यहीं पे ख़त्म हो गया था। सारे रस्में हो गई हैं एंड अब है खाना खाने का टाइम और सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है मैंने, सिर्फ चाय पिया था बिकॉज भीख देना था ना, जैसे कि इन लोगों में रस्म होता है आप लोगों ने देखा ही फर्स्ट क्लिप कि भीख देना पड़ता है, तो वो सारा रस्म मुझे भी करना था तो मैंने कर लिया है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, तो मैं पहले चेंज कर लूँ बिकॉज अब मुझसे ये साड़ी नहीं पहना जा रहा है। सो मैं चेंज करके मिलती हूँ आपसे। सो मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, पूरा मेकअप भी रिमूव कर दिया है एंड अब हम जा रहे हैं भोजन करने अपना बिकॉज बहुत जोरों से भूख लगी है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। सो जल्दी चलते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थैंक गॉड की बारिश हो रहा है, सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी था बहुत ज्यादा और हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब थोड़ा सा तो ठंडा होगा ही मौसम एंड बहुत ही जोरों से बारिश हो रहा है। खाना वाना खा के बहुत टाइम पहले मैं आ गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा नैप लिया बिकॉज इतना ज्यादा टायर्ड हो गया है, मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है, हाथ पैर सब, क्योंकि 2 दिन से नींद नहीं हुआ है। आज भी सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ एंड बिल्कुल भी आराम का टाइम ही नहीं मिला है। लुक एट माय आईज, कितने ज्यादा डार्क लग रहे हैं एंड उतना ही ज्यादा सूजे भी हुए हैं। अभी जस्ट नींद खुला है एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो एंड काफी ज्यादा नींद अभी भी आ रहा है। सो अब देखते हैं रात को कब सोने मिलता है एंड मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट द चांद, आज पूर्णिमा है एंड कितना प्यारा लग रहा है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है बट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है चांद। सी नेचुरल में ना और भी सुंदर लग रहा है, अपने अपने वहाँ पे देखना, देखोगे जब तक वीडियो आएगा तब तक तो चांद चला गया होगा बट लुक एट दिस, पूरा गोल जब चांद रहता है ना बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। फिलहाल आई हूँ एंड बहुत ज्यादा नींद भी आ रहा है एंड आज जितना भी पूजा जनेऊ का था वो सब कुछ हो गया, सिर्फ घर घर के मेंबर्स ही थे
एंड कल है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में जितने भी दूर दूर के रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स वगैरह और फ्रेंड्स, ये सारे मतलब जो भोज होता है ना, खाना खिलाना होता है, तो वो आज नहीं हुआ, वो कल होगा। बट मैं कोई कल व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, बिकॉज दोनों तरफ मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। व्लॉग भी खुद ही बनाना है, उधर भी हैंडल करना है, सो इसलिए नहीं हो पाएगा। सो मैं कुछ पिक्स आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर दूंगी लास्ट में, तो आप लोग देख लेना नेक्स्ट डे का। मैं कोई व्लॉग नहीं शेयर करने वाली हूँ, एंड चलिए का ये लास्ट व्लॉग है। सो आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा बंगाली कल्चर के सारे रस्म रिवाज, जनेऊ कैसे होता है। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रही थी मैं और कैसा लगा आपको व्लॉग। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चिल एंड सी यू, बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत जोरों से नींद आ रही है, बाय। एंड ये है रीजू के मम्मी पापा, रीवू रीजू और मैं।